हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची की सियासत में एक बार फिर ड्रामाई मोड़। एमक्यूएम और पीएसपी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 बजे होगी। दोनों जमातों के अलग अलग इजलास। पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची के मसाइल पर एक ही कश्ती का सवार बनने का इम्कान। क्या एमक्यूएम और पीएसपी खत्म हो जाएगी? क्या दोनों जमातों के रहनुमा कोई नई जमात बनाएंगे? क्या वाकई परवेज मुशर्रफ की क़यादत में कोई नया धड़ा बनने जा रहा है? सियासी पंडितों की कयास आ रही जा रही। पीएसपी के साथ चलने पर एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ रहनुमा नाराज। आमिर खान अहम तरीन इजलास से गायब। अमीनुल हक ने भी शिरकत नहीं की। कुछ अरकान की पीएसपी से इत्तेहाद की मुखालफत। चंद रहनुमाओं की एमक्यूएम को खत्म करने और मिलकर नई जमात बनाने की तजवीज। इजलास की अंदरूनी कहानी आज न्यूज ने पता लगा ली। मैं समझता हूँ कि हम पॉलिटिकल एक विजन रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम ये चाहते हैं कि लोगों की ज्यादा बेहतर तरीके से खिदमत की जाए। एमक्यूएम एक तहरीक है, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। इजलास के बाद तफसील से बात करेंगे। फारूक सत्तार की सहाफियों से गुफ्तगु। साफी गवर्नर सिंह इशतुल बात कहते हैं, दोनों पार्टियों में अच्छे लोग हैं, मेरा किसी से रब्ता नहीं, फिलहाल किसी पार्टी में शामिल होने का प्रोग्राम भी नहीं। अमन के लिए सबको साथ लेकर चलने का हामी हूँ, पार्टी आवाम के मफाद में जो फैसला करेगी कबूल होगा। रऊफ सिद्दीकी की गुफ्तगू। मंजूर वस्तान कहते हैं, पहले ही कहा था कि ये लोग एक हो जाएंगे। नुसरत सहर कहती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक दोनों जमातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साफ अदालत का नवाज शरीफ के खिलाफ तीनों रेफरेंसेस यकजा करने से साफ इनकार। दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कटहरे में बुलाकर अलग अलग फर्दे जुर्माए। सदर नून लीग का सेहत जुर्म से इनकार। रेफरेंसेस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। कैलेबरी फंड के मामले पर नैब रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जालसाजी की दफा हटाने का हो। अदालती फैसला बुग्ज, अनाद, गुस्सा और इश्तियाल की अफसोसनाक मिसाल है। सवाल रहबरी का नहीं, मुनसिफी का है। अदालती फैसले पर नून लीग का रद्द अमल। नवाज शरीफ कहते हैं, जजेस बुग्ज से भरे हुए हैं। इल्म था कि नजरसानी अपील पर यही फैसला आएगा। ये फैसला तारीख का स्याह बाब साबित होगा। ये जज साहबान मैं ये समझता हूँ कि ये सारा भूगोल तारीख का स्याह बाब बनेगा। जब हुक्मरान करप्ट होते हैं तो फिर मजलूम शक्ल बनाकर कहना पड़ता है कि मुझे क्यों निकाला। इमरान खान का तंज। कहा, नवाज शरीफ की लंदन में 29 जायदादें हैं, उन्हें कानून नहीं दौलत प्यारी है। नवाज शरीफ पर दाग लगता रहेगा। खुर्शीद शाह का तबसरा। कहा, जो चीजें पहले नहीं थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी। अदालत के शेर में सारा निचोड़ मौजूद है। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुखालिफीन हम पर तनकीद से पहले अपने गरिबान में झांके। अवाम के जहनों में माजी के हुक्मरानों की लूट मार की दास्तानें अब भी ताजा है। ट्रस्ट जहांगीर तरीन का असासा नहीं, ट्रस्ट कानूनी तरीके से बनाया गया। बददियानती कैसे हो गई? बैरून मुल्क पैसा जहांगीर तरीन का असासा साबित करना होगा। जहांगीर तरीन नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
साहडार कम से कम एक बार खुद अदालत में पेश हो। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। इसहाक डार की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। इसहाक डार के वकील ने बताया कि डॉक्टर ने उनके मुवक्किल को सफर की इजाजत नहीं दी। नई हल्काबंदियों पर पार्लिमानी नामाओं के इजलास में डेडलॉक बरकरार। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नून लीग के बंदे पूरे नहीं। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात भी दूर होते नजर नहीं आ रहे। आईनी तरमीम का मामला हल होता नजर नहीं आ रहा। न्यू एमेजिना रोड कराची में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। शोरूम्स के बाहर खड़ी गाड़ियां उठा ली गई। लाहौर में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अली हजवेरी दाता गंजबख्श के 974वें उर्स की तकरीबात। जायरीन की जोक दर्जो कामन। गरीदा फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। गरीदा, ये जो दोनों जमातें हैं, टॉक शोज में हम देखते हैं कि इन दोनों जमातों के लोग तो एक साथ बैठने पर राजी नहीं होते। एमक्यूएम पाकिस्तान की ये पॉलिसी नहीं थी कि पीएसपी के लोगों के साथ बैठें एक प्रोग्राम में। आज ये दोनों लोग कयास आ रही हैं हो रही हैं कि साथ मिलने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ठीक है, दोनों जमातें मिलने तो अगर जा रही हैं, अगर मिलती भी हैं, इनिशिएटिव कहाँ से लिया गया होगा, क्या आपका तज़िया है? देखिए, ये तो सब जानते हैं कि इनिशिएटिव कहाँ से लिया गया है। ये इनिशिएटिव ना तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने लिया है, ना पाक सरजमीन पार्टी ने लिया है। ये इनिशिएटिव लिया है एस्टेब्लिशमेंट ने, जो कि कराची के गेम प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आग और पानी का मिलाप हो जाए। जो कल तक एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे, वो चंद घंटों के अंदर अंदर कल मुस्तफा कमाल साहब एक तकरीब में जो हैं जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे थे और एमसीएम को दफन करने की बात कर रहे थे, उसके कुछ ही घंटों के बाद कल रात जो ये फैसला हो गया कि दोनों जमातों का आपस में इल्हाक कर दिया जाएगा या इत्तेहाद कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। कराची की सियासत में एक बहुत बड़ा सुनामी आने जा रहा है, बल्कि आ चुका है। एक समुंदर की लहरें जो बाहर पुरसकून नजर आ रही थी, उसके नीचे बहुत बड़े तूफान के आसार थे। तो अब आप देखें कि एमक्यूएम को जो अपने अंदर से मुखालिफत बर्दाश्त करनी पड़ रही है, उसके बड़े बड़े रहनुमा जिस तरह के तबसे कर रहे हैं। आमिर खान साहब ने इन्ना लिल्लाह पढ़ दी, बाकी लोग जो कि इजलास में शामिल थे वो भी नाराज हैं। जो इजलास में नहीं थे उन्होंने तो शामिल ना होकर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। वोटर्स को किस तरह मनाएंगे, ये एमक्यूएम के लिए बहुत टफ सिचुएशन है। मैंने पहले भी कहा था कि पाक से जमीन पार्टी के लिए ये एक सियासी कामयाबी होगी, उनके लिए सियासी विन होगी, ये सियासी विक्ट्री हो सकती है कि वो एमक्यूएम को अपने लेवल पे ले आए और एमक्यूएम को उन्होंने अपने साथ इल्हाक करने पे मजबूर कर दिया। लेकिन एमक्यूएम के लिए बहुत से स्टेक्स हैं, बहुत से चीजें उसको कैलकुलेट कर दी। तो आपने कहा कि इनिशिएटिव तो कहीं और से लिया गया होगा, सभी जानते हैं कहाँ से लिया गया होगा, तो फिर ये पीएसपी की कामयाबी तो नहीं है ना, फिर तो ये इनिशिएटिव लेने वालों की कामयाबी कहलाएगी। देखिए, हम आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कराची की पॉलिटिक्स को कौन मॉनिटर करता रहा है, कौन मैनूवर करता रहा है, किसने बनवाई थी मुहाजिर कौमी मूवमेंट APMSO जो पहले थी, उसके बाद वो एमक्यूएम में किस तरह ढली, जनरल मुशर्रफ साहब ने किस तरह इसको पैट्रोनाइज किया, किस तरह इसको परवरिश दी, हम सब जानते हैं, कोई नई चीज नहीं है। तो अगर ये दोबारा से होने जा रहा है एमक्यूएम कराची में एमक्यूएम की सियासत के साथ, तो ये भी कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एमक्यूएम और पीएसपी जिस तरह से यानी खरीदा आप ये कह रही हैं कि मियां बीवी को राजी करने में काजी का बड़ा अहम किरदार है। आप इसे काजी का नाम दे दें, काजी उल कजा का नाम दे दें, जिसका मर्जी आप नाम दे दें, लेकिन इतनी बड़ी डेवलपमेंट कराची में हो नहीं सकती बगैर एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के। उधर परवेज मुशर्रफ साहब, वो भी जिस तरह से तैयार हो गए हैं, उनकी यक रुकनी पार्टी है, मैं तो यक रुकनी पार्टी की बात करूंगी कि एक ही शख्स है उनकी पार्टी में, वो जिस तरह से पर खोल के प्रवास के लिए तैयार हो गए हैं, हम सुन रहे हैं कि उनकी भी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो मतलब वो भी इस सारी सिचुएशन में से कुछ ना कुछ फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद कोई यकीन दहानियां उन्हें भी करवा दी गई हैं। ये बहुत बड़े सवालात हैं, ये कोई छोटे सवालात नहीं है। इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मायूस हो चुकी है, कम अज कम कराची की हद तक। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जरा सा भी कोई लगाव होता, जरा सा भी कोई फायदे की उम्मीद होती, तो फिर एमक्यूएम और पीएससी का ये इल्हाक नहीं होता। तो ये सबसे जो बड़े पॉइंट्स हैं उनमें से ये पॉइंट भी है कि एस्टैब्लिशमेंट कम अज कम कराची की हद तक, सिंध की हद तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुतमईन नहीं है। अब सिंध में जो बड़े बड़े जलसे करके दिखाए, जिस तरह अभी शाह महमूद कुरैशी साहब के हल्के में गई हुई थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा,
और अगर तो जनरल मुशर्रफ साहब की क्यादत का हेडलाइन तैयार हो गई है स्क्रिप्ट में, हेडलाइन है जनरल मुशर्रफ लीडिंग द पार्टी इन कराची, तो फिर उनकी वतन वापसी के क्या इम्कान हैं, या वो बाहर बैठ के इस पार्टी को लीड करेंगे? ये बहुत से बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। अगर वतन वापस आते हैं तो उन्हें अपने केसेस का सामना करना पड़ेगा, अगर जनरल मुशर्रफ वतन वापस आते हैं तो उनकी इक्वेशन फिर नवाज शरीफ के साथ क्या बनेगी, और अगर जनरल मुशर्रफ बाहर बैठ के भी किसी पार्टी को लीड करते हैं तो भी फेडरल में जिसकी हुकूमत होती है, चाहे नवाज शरीफ की हो चाहे आसिफ जरदारी की। ठीक है गरीदा, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, मौजूद रहिएगा। रफत सैद ब्यूरो चीफ कराची भी हमारे साथ मौजूद हैं। रफत, जैसा कि लग ऐसा रहा है कि अब पीएसपी और एमकेएम एक पेज पे आने जा रहे हैं, तो कल जिस तरह का कहा मुस्तफ़ा कमाल ने बयान दिया है एमकेएम के बारे में, आप बखूबी वाकिफ होंगे, मौक़िफ़ तब्दील कैसे हो जाते हैं इतनी जल्दी? देखिए, जब पार्टियां सियासी जमातें अपने पैरों पर ना खड़ी हुई हों तो मौक़िफ़ तब्दील करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, और ये हमें सारे खेल में नज़र आ रहा है। जिस तरह के अभी अरबाब पूछ रहे थे वो कौन है, आप पूछ रही थी काजी जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी वाली बात है, तो काजी का नाम पूछा जा रहा है, मुफाहमतकार का नाम पूछा जा रहा है, लेकिन कोई उस मुफाहमतकार का नाम लेने के लिए आमादा नहीं है। तो इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकती हैं कि कितना प्रेशर, कितना दबाव होगा। और जहाँ तक वफादारी तब्दील करने वाली बात है, तो ये बहरहाल सूरत हाल जो है हम खासे अरसे से देखते चले आए हैं, और एमकेएम में इससे पहले भी धड़ेबंदियाँ होती रही हैं, लेकिन इस मरतबा जो सूरत हाल है, जिस तरीके से एमकेएम तकसीम हुई है, और ये बात बिल्कुल मुसलिमा तौर पर कह दी गई है कि एक तो इस नाम से सियासत नहीं हो सकती, और फिर दूसरी बात जो है वो बड़े वाज़ह तौर से जो पैगाम दे दिया गया है वो यही है कि आप जो है तशद्दुद की तरफ नहीं जाएंगे, और इस पर मेरे ख्याल में सभी लोग आमादा हैं। और जहां तक मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी कि बिल्कुल तैयार करके एक चीज़ दी गई है दोनों ग्रुपों को, और उन्हें बता दिया गया है कि ये उनके पैरामीटर्स हैं, इसमें वो सियासत कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। अब जहाँ तक रही बात कि ये सब इस मौके पर क्यों हो रहा है, तो इसमें इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखना होगा, जो वहाँ जिस तरह मियां नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म का जो केस चल रहा है उसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इमरान खान जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, रोज़ाना वो एक बड़ा जलसा करते हैं, तो ये सारी सूरत हाल को देखना होगा। फिर सेनेट के जो इंतखाबात होने वाले हैं उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो लिहाजा ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल का राबता ऐसे ही नहीं हो गया है। तो ये सब वही वाली बात है कि ब्लूप्रिंट तैयार है, जिसने भी ये सारे सिनेरियो तैयार किया है उसको ये पता है कि उसको मोहरे कहाँ कहाँ फिट करने हैं। अच्छा, लेकिन रफत साहब, पीएसपी ने तो हमेशा यही क्लेम किया है कि हमारे तो एमकेएम के हर रहनुमा से, हर मेंबर एमपीए एमएनए से रबते हैं, और फारूक सत्तार से भी रबते हैं, लेकिन इसका जवाब आपसे लेते हैं। लेकिन आज से 5 रोज कबल आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबुल ने इस तमाम तर सूरत क्या कहा था, जरा ये आपको दिखाते हैं। परवेज मुशर्रफ जो है ये कोशिश कर रहा है कि इनको आपस में मिलाने की, और हो सकता है कि वो कोई उनका एक ये डिमांड है कि एमक्यूएम का नाम तब्दील किया जाए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जगह, और इसको पाकिस्तान कौमी मूवमेंट का नाम दिया जाए, तो वो सरपरस्ती करेंगे, और शायद हो सकता है कि इलेक्शन से पहले कोई ऐसा सूरत हाल पैदा हो कि ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये आपस में एक हो जाए अंडर द लीडरशिप ऑफ परवेज मुशर्रफ।